हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र, बीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विस एक्टिव। और विस एक्टिव में हम सब पढ़ चुके हैं कि विस एक्टिव में अगर आपको प्रेजेंट टेंस मिलता है तो उसको हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। विस एक्टिव के केस में प्रेजेंट को पहले आप देख लीजिए, इसके बाद आप इस वीडियो में देखिए पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस को हम कैसे विस एक्टिव में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस, इस केस में विस एक्टिव में। अगर विस एक्टिव का नाम सुन रहे हैं तो आपको लगता होगा ये विस एक्टिव ग्रामर में होता क्या है, क्योंकि ये जो है आपका विस विस्मिशिच्छा, तो आप जो अपने इच्छा अनुसार सेंटेंस बोलते हैं बस उसी को आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए हम बात करते हैं विस एक्टिव पास्ट टेंस में, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम बात करेंगे दूसरा पार्ट पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस जिसको हम कहते हैं भूतकाल। अब देखिए आपको चलना है, अपनी इच्छा किस में रखना, भूत में, मतलब भूतकाल में। अब अपनी इच्छा सीधे सोचो जो बीत चुका है उस केस में। तो देखो इसको समझने के लिए आपको ये चीज याद रखना होगा, BBI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पॉइंट। अब वो कौन कौन सी पॉइंट है आपको समझना है। पहली पॉइंट आपको रखना है यार पहचान, जैसे हम लोग की पहचान होती है, तो बिस के केस में पहचान क्या होगी, ना था। अब सभी वाक्य के अंत में ना था मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, वर्ब याद रखना है। अब इसमें वर्ब कौन से यूज करेंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। फिर आपको क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएं, तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगाना है, पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट का आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वाज या वर, इसके बाद बिस में बनाना है, नहीं तो आपका किस केस में हो जाएगा, प्रेजेंट में। तो जैसे हम बिस में करते हैं तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा प्लस टू, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई बिस के केस में। अब हमको क्या करना, इन्हीं तीन पॉइंट को याद रखना है और बाकी सभी सेंटेंस में इसी को यूज करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं और ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, आपको चार सेंटेंस मिलेंगे, जैसे आप प्रेजेंट में पढ़े होंगे, सॉरी जैसे आप पास्ट में पढ़े होंगे, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट, इसमें से कोई भी, तो आप चार सेंटेंस बनाए होंगे या पांच सेंटेंस या छह सेंटेंस, तो उसमें से मेन आपका चार सेंटेंस होता है, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो आपको करना क्या है, जैसे आप पीछे बनाए थे सेम इसको भी ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इसमें अगर जो भी अभी आपको सेंटेंस में जब मुझे मिलेगा कि सब्जेक्ट से, मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, या सब्जेक्ट में जैसे किसी के नाम से डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ और पीछे आपको पिछले वीडियो में आप देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए हमको कैसे क्या करना है। तो चलिए पहला सेंटेंस हम लिखते हैं जो पीछे हम लिए थे, जैसे मुझे जाना था, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको रूल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रूल। तो देखिए रूल कैसे बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट भैया लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे, ए। फिर आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसी रूल पे हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ रूल में पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। अब इसमें आप पढ़ोगे तो सब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं। आप कहोगे सर ये तो मुझे ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट है, बट आपको यहाँ याद रखना है ये जो आपका मुझे है, तो मुझे की इंग्लिश होती है मी, और आप सब पढ़ चुके हैं ये मी आपका ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। क्लियर हुआ, आपको सेंटेंस जितने भी बिस के केस बनाना होगा सब सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और ट्रांसलेट हम किससे करेंगे, उसको सब्जेक्ट के रूप में लिख के,
क्लियर हो गया। अब ये बताओ आई सिंगुलर है प्लूरल, तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक यूज करना है, तो आप क्या यूज करोगे? आई के साथ हम क्या करते हैं? वाच का यूज करते हैं। इसके बाद आपको टू लगाना है, तो चलिए टू लगा देते हैं। देखिए रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपका वर्ब क्या है वो ये हो गया आपका ट्रांसलेट। फिर ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, सेम यही सेंटेंस रहेगा, जैसे मुझे नहीं जाना है, ये सॉरी यहां पर आपका पास्ट में रहेगा, मुझे नहीं जाना था। अब देख लो एक चीज और, इस सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस आपको बनेंगे, जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे पास्ट के केस में और बिस एक्टिव में, हमेशा वाक्य के अंत में ये चीज रहेगा। अगर ये चीज नहीं रहेगा तो आपका सेंटेंस दूसरे केस में चला जाएगा। अब हमको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है? अगर जो एक रूल बना लिया तो दूसरा भी रूल आप बना सकते हैं, जिससे आप पढ़े होंगे टेंस में, तो पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट, इसके बाद आपको क्या करना है टू प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, इस रूल पे ट्रांसलेट कर दो। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले आपको रूल में क्या लिखना, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, वाज। इसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर इसके बाद आपका टू, और वर्ब क्या है वो, ये आपका ट्रांसलेट हो गया निगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, तो तीसरा सेंटेंस आपका कौन सा मिलेगा, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हम यहां सेंटेंस लिख लेते हैं जो आपका तीसरा है, क्या मुझे जाना था, ये आपका किसमें हो गया, इंट्रोगेटिव में। अब हमको क्या करना है, इसको बिस एक्टिव में इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करना है। तो हम कैसे करते हैं, इसका रूल यहीं पर लिख लेते हैं। तो रूल में पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ग लगाएंगे, इसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करोगे टू, इसके बाद आपकी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया रूल। अब इस रूल पे आपको ट्रांसलेट करना है। तो इसके बाद आपका जो लास्ट है सेंटेंस, सेम इसी में क्या करो, नॉट लगा दो, क्या मुझे नहीं जाना था, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब इसका रूल बनाना है, तो सेम क्या करो, इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, सब वही रहेगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू सॉरी नॉट, इसके बाद आपका आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया रूल। तो अब हम क्या करते हैं, इसी रूल पे इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले देखो कैसे क्या करना है, अगर इस प्रकार से आपको सेंटेंस मिले तो आपको यहाँ क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ये याद रहे। जिसको नहीं पता होगा मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप प्ले चैनल को ओपन करके, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वहां से आप इन सभी छोटी छोटी जो आपका डाउट है सब डाउट क्लियर हो जाएगा, वहां पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर हम क्यों इसकी इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वाच। फिर आपको क्या करना, नहीं की इंग्लिश लगाना, हो जाएगा नॉट, इसके बाद आपका टू, इसके बाद आपका वो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया ट्रांसलेट। किस केस में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। ये आपका एक सेंटेंस बच रहा है इंट्रोगेटिव, और रूल भी मैं बता दिया हूँ, इसको आपको खुद ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है। अगर आपको ये आ गया तो मुझे लगेगा कि आप सबको ये सभी सेंटेंस को अगर ऐसे मिलेंगे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बी सेक्टिव में अगर आपको पास्ट का सेंटेंस दे दिया जाए तो आप इसी प्रकार से सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू।